सो हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू सम वीडियो गाइस। गाइस आज के जो हमारे इस वीडियो में बात करने वाले एयरटेल के कुछ एक बेहतरीन फीचर्स के बारे में, जो एयरटेल ने कुछ ही स्मार्टफोन में ऐड किया है और जो एयरटेल की तरफ से नया फीचर आया है, बहुत बढ़िया फीचर। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, एक नया अपडेट आया एयरटेल की तरफ से वाईफाई कॉलिंग का गाइस, जिसमें आपको बहुत कुछ एक बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है। क्योंकि वाईफाई कॉलिंग से आप किसी मर्जी को फोन कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, रिसीविंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो एयरटेल की तरफ से। और वाईफाई कॉलिंग का तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम आया है इस बारी, किन्हीं चार फोन्स में आपको ये देखने को मिलता है और बहुत बढ़िया फीचर है मेरे ख्याल से। क्योंकि जिस फोन से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसमें भी ये फीचर मैंने एक बार ट्राई करा, तो अभी हुआ नहीं वर्क अच्छे तरीके से, बट होएगा। मैं आपको एक बार वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा और कैसे वो वर्क करेगा, ठीक है। सारा ट्यूटोरियल आपको मैं अच्छे तरीके से दिखा दूंगा अगली वीडियो में, जैसे आप कैसे उसको यूज़ कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो यार बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस आपको क्या पता है, लाइक करना है इस वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन कभी मिस ना कर पाओ गाइस। इसलिए सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, और नीचे कमेंट बॉक्स से जाके आपका कोई भी कमेंट है वहां जाके कर दो जो आपका मन करे, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं एयरटेल के वाईफाई कॉलिंग के सिस्टम के बारे में, कि एयरटेल इस टाइम क्या कर रहा है इस वाईफाई कॉलिंग की वजह से। क्योंकि एयरटेल के हर एक प्लान का यार इस टाइम रिचार्ज लेवल बहुत हाई हो चुका है। क्योंकि जो आपको 10-20 रुपए में आप रिचार्ज करवाते थे पहले टाइम में, चलो 10-20 वाला बंद हुआ बीच में, ठीक है, फिर उसके बाद आया 35 रुपीज का आपको रिचार्ज देखने को मिलता था गाइस, वो भी अब बंद हो चुका है एयरटेल की तरफ से। अब आपको सीधा सीधा 50 रुपए का रिचार्ज करवाना, 50 रुपए में भी आपको कम से कम 46 पॉइंट कुछ आपको पैसे रिचार्ज में मिलते हैं, ठीक है। और उसमें डाटा है 200 MB या 100 MB इतना ही मिलता हो देखने को। बट अब जो रिचार्ज लेवल है बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि एयरटेल ने अब हाई तो हो गया एयरटेल और बाकी सारे सिम्स का रिचार्ज लेवल, ठीक है। बट एयरटेल ने एक और सोल्यूशन काट दिया आप सभी के लिए, वाईफाई कॉलिंग का एक बहुत बढ़िया फीचर एयरटेल की तरफ से आया है, जो कि चार फोन्स में आपको देखने को मिल जाता है गाइस, वो भी बहुत बढ़िया है। बट उन चारों फोन्स का मैं आपको नाम बताऊंगा, उन चारों फोन्स के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में भी अच्छे तरीके बताऊंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस ये वीडियो देख लेना पूरा, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं तो थोड़े इन चार फोन्स के बारे में, कि कौन कौन से फोन्स में आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाता है गाइस, अच्छे तरीके देखना वीडियो को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा आईफोन ही है, आईफोन एप्पल, यानी कि आईफोन के कितनी 6 या 7 मॉडल्स में आपको ये देखने को मिल जाता है गाइस, तो मैं उनके नाम एक एक करके बता देता हूँ। और लेफ्ट साइड में भी आपको एक इमेज देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से फोन्स है, बिल्कुल क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाएगी, और लोगों को आप देखना चाहोगे वो भी आपको मैं दिखा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो एक बार पूरा देख लेना गाइस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आईफोन के कौन कौन से मॉडल में, आईफोन XR में आपको ये देखने को मिल जाता है, बहुत सही है, और 6S 6S प्लस में भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है गाइस, 7 7 प्लस और 8 8 प्लस में, और आईफोन SE में भी आपको देखने को मिल जाता है गाइस, बहुत सही फोन है यार ये सारे आईफोन के। और आईफोन XS और XS मैक्स में आपको ये तीनों में भी देखने को मिल जाता है, और आईफोन 11 11 प्रो मैक्स में भी आपको ये देखने को मिल जाता है वाईफाई कॉलिंग का सिस्टम गाइस, बहुत ही सही है। बट ये तो थोड़े iOS के फोन्स है, बट अब हम बात कर लेते हैं गाइस थोड़ी एंड्रॉइड वर्जन की बात कर लेते हैं, जिनमें आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है गाइस। थोड़े अभी आईफोन की बात करी तो अब हम बात कर लेते हैं OnePlus की, OnePlus में आपको कौन कौन से मॉडल्स में आपको देखने को मिल जाता है गाइस उसके बारे में मैं आपको बता दूं अच्छे से, कि OnePlus में आपको OnePlus 7 में 7 Pro में, ठीक है, 7T और 7T Pro में ये चार हो गए, और 6T में आपको ये 7 फोन्स में आपको देखने को मिल जाता है, सॉरी 6 फोन्स में आपको देखने को मिल जाता है यार वाईफाई कॉलिंग सिस्टम, बहुत सही है। बट आप ये यूज कैसे कर पाओगे मैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अच्छे से, पूरा ट्यूटोरियल दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो देख लेना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार अगली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कैसे आप अपना यूज कर सकते हैं वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपने सैमसंग के, जो लोगों का बहुत ही पसंद आने वाला फोन कह सकते हैं, बहुत लोगों को यार बहुत अच्छे लगते हैं सैमसंग के फोन,
और क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं, सैमसंग के बहुत नंबर वन पे आते हैं। सैमसंग की कैमरा क्वालिटी बिल्कुल जेन्युइन डिजायर है एक आधा, ठीक है। और हम बात करते हैं सैमसंग के किन्हीं मॉडल्स के बारे में जिनमें आपको एक फीचर्स देखने को मिलता है, जिन जिन में नहीं है, तो जिन जिन जो लोग सैमसंग के फ़ोन यूज़ करते हैं जिनके पास ये फीचर्स नहीं है, तो उन पर अगर ये मॉडल्स में नहीं कोई है तो कुछ ही टाइम में आपको ये अपडेट्स में, आपको नेक्स्ट अपडेट में, आपके जो एंड्रॉयड वर्जन के नेक्स्ट अपडेट में आपको देखने को मिल जाएंगे गाइस। तो पहले मैं आपको उनके नाम दे देता हूँ, नाम बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है। सो गाइस सैमसंग के मैं नाम बता देता हूँ एक एक करके। सैमसंग गैलेक्सी J6 में आपको देखने को मिल जाता है गाइस, सैमसंग गैलेक्सी O6 में आपको देखने को मिल जाता है, ये दो तो हो गए हमारे, 6 और O6 में आपको देखने को मिल जाता है गाइस। और गैलेक्सी M30s में भी आपको ये देखने को मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया M30 मेरे ख्याल से फोन रहा था इस बारी का। और A10 में भी आपको, A10s में भी देखने को मिल जाता है गाइस, A10 और A10s में भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है गाइस, ठीक है। और S10 और S10 प्लस में भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है मेरे ख्याल से। S10 प्लस और ये सारे थोड़े महंगे फोन हो जाते हैं, जो हमारा J6 और O6 सही है, बट बजट लेस ये दोनों सही है, और M30 A10 भी सही है, बजट लेस है गाइस। और हम बात कर लेते हैं सैमसंग का एक और अगला फोन, दो फोन और रह गए। S10 प्लस तो मैंने आपको बता ही दिया, S10e में भी आपको ये देखने को फीचर मिल जाता है गाइस, बहुत ही बेहतर है ना। और M20 में भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत सही है यार, क्योंकि सैमसंग के यार किन्हीं मॉडल्स है, अभी तो थोड़े ही मॉडल्स आए हैं, बट आगे चल के सारे मॉडल्स में आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये फीचर मेरे इस जिस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, उसमें भी मेरे को ये फीचर बहुत पहले से देखने को मिला था, लेकिन मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी, तो जब मैंने यूज़ करके देखा तो अच्छी तरीके कामयाब नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, जब ये अच्छे तरीके वर्क करने लग जाएगा वाईफाई कॉलिंग का सिस्टम, तो मैं आपको इसका वीडियो एक बना के दिखा दूंगा आपको, ठीक है, देख ले। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है। और हम बात करते हैं आप शाओमी की। शाओमी बहुत लोगों का अच्छा लगता है फोन, शाओमी के किन्हीं फोन्स में आए, दो तीन ही फोन है अभी तो, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके डिटेल में बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल है पोको का F1 में आपको ये देखने को मिल जाता है, कम से कम ये आपको 28,000 को देखने को मिलता है यार, बहुत महंगा फोन है, बट कोई बात नहीं। रेडमी का K20 में भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, और K20 प्रो में भी देखने को मिल जाता है, बहुत सही है यार, ठीक है। इन सारे फोन्स में आपको ये फीचर देखने को मिल जाते हैं, बट जो फोन रह चुके हैं, जो उनसे मॉडल रह चुके हैं, ठीक है, उनमें भी आगे चल के अपडेट आ चुका है, क्योंकि आएगा, बट अभी ये इसलिए इन्हीं कम थोड़े फोन्स में ही आया, क्योंकि मेरे एक आधे फोन में भी नहीं आया, जिनमें अब वीवो के रह गए, ओप्पो के रह गए, उनमें भी ये फीचर अभी नहीं आया है गाइस। धीरे धीरे करके आपके अगले अपडेट्स में आ जाएंगे फीचर, तो ये फीचर्स आ जाएंगे, तो उसके बारे में भी अभी, या जब ये फीचर्स ऑफिशियली लॉन्च कर दिए जाएंगे, वर्किंग लेवल पे आ जाएंगे, तो उसका भी वीडियो मैं आपको बना के दिखा दूंगा, क्योंकि ये जो फीचर्स आए हैं जिन फोन में, मैंने यूज़ करके देखा, लेकिन अभी वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि अभी दो तीन दिन पहले ही अपडेट आया है, ठीक है, और ये फीचर ऐड हुए हैं इन फोन्स में, और इसलिए वर्क नहीं कर रहे। अभी दो चार दिनों के बाद जब ये अच्छे तरीके लॉन्च कर दिया जाएगा और वर्किंग लेवल पे आ जाएगा, तब ये वर्क करने के लायक हो जाएंगे ये सारे आपके वाईफाई कॉलिंग के सिस्टम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना इस वीडियो को, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हम हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन ना मिस कर पाओ, और ये जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है इसके वर्किंग का, कैसे वर्क करेगा आपका वाईफाई कॉलिंग एयरटेल का, उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और घंटे के आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी वीडियो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ, इसलिए सब्सक्राइब कर लो जल्दी, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो जो आपका मन करे, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ, एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको मिलता हूँ अगली शा मिलता हूँ मैं आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस, इस वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।